नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों। अब एक खबर चर्चा में है, वो ये है कि तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने लेबनान के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की है। उन्होंने लेबनान के पीएम से कहा कि तुर्की लेबनान की मदद करने के लिए तैयार है। इसके बाद लोग पूछ रहे हैं कि क्या तुर्की भी इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने उतरने वाला है। तुर्की के विदेश मंत्री ने इसके साथ ही कहा कि तुर्की लेबनान को जरूरी मानवीय मदद देने के लिए तैयार है। इस दौरान दोनों नेताओं ने मौजूदा हालात पर चर्चा की। फिदान ने यह भी कहा कि लेबनान पर इसराइल के हमलों का वैश्विक स्तर पर नकारात्मक असर होगा। फिदान ने जोर देकर कहा कि ये हमले जल्द से जल्द समाप्त होने चाहिए और इसराइली सैनिकों को लेबनानी क्षेत्र से वापस जाना चाहिए। हिजबुल्ला लगातार इसराइल पर हमले कर रहा है। इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया। अब दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्ला ने इसराइली सैनिकों को काफी नुकसान पहुंचाया है। हिजबुल्ला फील्ड कमांडर ने दक्षिणी लेबनानी बॉर्डर पर इसराइली फोर्सेस के बीच भारी हताहत होने की खबर दी। कमांडर ने कहा कि हाल के दिनों में जब से इसराइली सेना ने दक्षिणी लेबनान में अपने जमीनी अभियान की घोषणा की है, हमने दुश्मन के 25 से अधिक अधिकारियों और सैनिकों को मार डाला है, जबकि 130 से अधिक घायल हो गए हैं। दुश्मन ने इनमें से कुछ आंकड़ों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि उन्होंने अपनी जनता से क्या छुपाया है। लेबनान के ईरान समर्थित हिजबुल्ला समूह ने सोमवार यानी आज तड़के कहा कि उसने उत्तरी शहर हाइफा के पास एक इजरायली सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। ये 24 घंटे में क्षेत्र में सैन्य स्थिति पर तीसरा हमला है। हिजबुल्ला ने लड़ाकों ने रॉकेट से हमला किया। रामम अस्पताल का कहना है कि हाइफा में रॉकेट हमले में 10 लोग घायल हो गए। रविवार देर रात समूह ने एक बयान में कहा कि इससे पहले हाइफा के दक्षिण में एक अन्य बेस पर दो हमलों की सूचना दी गई थी। वहीं इसराइल की सेना ने कहा कि हाइफा पर लेबनान से दागे गए रॉकेटों को रोकने में एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है। IDF ने कहा कि वो जांच कर रहा है, क्योंकि ये लेबनान से हाइफा पर दागे गए 5 रॉकेटों को रोकने में विफल रहा। हिजबुल्ला और हमास जैसे संगठन लगातार इसराइल पर हवाई हमले कर रहे हैं। इस बीच इसराइली सेना ने दावा किया है कि उत्तरी इसराइल में लगभग 20 रॉकेट लॉन्च किए गए हैं। हालांकि साथ में ये भी बताया गया है कि कोई हताहत नहीं हुआ है। एक घर क्षतिग्रस्त हो गया है और एक कार में आग लग गई। हमास का कहना है कि ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म, जो पिछले साल इजरायली शासन के बढ़ते अत्याचारों के जवाब में शुरू किया गया था, उसने इसराइल की कथित सैन्य श्रेष्ठता को तोड़ दिया है। खलील अल हया ने कहा कि ऑपरेशन को अंजाम देते हुए फिलिस्तीनी लड़ाकों ने वीरतापूर्ण काम किए, जिन्होंने शक्ति संतुलन को बदल दिया। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, हम अपनी जमीन और पवित्र स्थलों की पूरी आजादी चाहते हैं। इसराइल ने रविवार की देर रात लेबनान पर कई सारे हवाई हमले किए हैं। ये हमले लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी हिस्से पर किए गए। इसराइली सेना ने कहा है कि उन्होंने हिजबुल्ला के हथियार भंडारों को निशाना बनाया है। वहीं इसराइली अधिकारी ये जांच कर रहे हैं कि कैसे रविवार की रात हिजबुल्ला के 5 रॉकेट इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेजने में कामयाब रहे। रविवार की रात हिजबुल्ला की 5 मिसाइलें इसराइल के हाइफा शहर में गिरी थी, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए। ईरान को एक बड़ा झटका लगा है। ईरानी कुद्स फोर्स के ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी लापता हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आशंका जताई जा रही है कि वो इसराइल के हमले में मारे गए हैं। कुछ रिपोर्ट में उनके घायल होने की बात कही गई है। हालांकि इस्माइल कानी के बारे में अब तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया, ना ही ईरान की ओर से और ना ही इसराइल की ओर से। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के अधिकारियों के पास अभी तक इस बारे में कोई जवाब नहीं है कि कुद्स फोर्स चीफ के साथ क्या हुआ। कुद्स फोर्स ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड की सैन्य शाखा है, जो विदेशों में मिशन को अंजाम देती है। इस्माइल कानी को आखिरी बार हिजबुल्ला के तेहरान स्थित ऑफिस में देखा गया था, फिर वो लेबनान चले गए। लेकिन जब बेरूत में इसराइल ने हमला किया, तो उनके बाद से वो लापता हैं। पिछले 4 दिन से इस्माइल से संपर्क नहीं हो पाया है। इस्माइल कानी हिजबुल्ला चीफ नरसल्ला की मौत के बाद रखी गई शोक सभा में भी नहीं पहुंचे थे। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर इस्माइल कानी इसराइल के हमले में मारे गए, तो ये ईरान के लिए बड़ा झटका है। वहीं ईरान और इसराइल के बीच तनाव और बढ़ सकता है। पीएम मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू से मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद उन्होंने एक जारी बयान में कहा कि भारत ने हमेशा से ही पड़ोसी होने का दायित्व निभाया है। पीएम मोदी ने जोर देकर बोला है कि भारत के मालदीव के साथ रिश्ते सदियों पुराने हैं, दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हैं। ये भी कहा गया है कि जो सहायता भारत अभी दे रहा है, वो आगे भी जारी रहने वाली है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, जिसे देखते हुए बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।
यूपी उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की, जिसमें आगे की रणनीति पर मंथन किया गया। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार जिलेवार पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बता दें कि चुनाव आयोग जल्द ही यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर सकता है। माना जा रहा है कि नवंबर महीने में उपचुनाव कराए जा सकते हैं, क्योंकि नियमों के मुताबिक चुनाव आयोग को खाली हुई सीटों पर 6 महीने के भीतर चुनाव कराने होते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरियाणा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के 10 साल के शासन से परेशान होकर जनता ने कांग्रेस का साथ दिया है। बीजेपी का 10 साल का नाराजगी भरा शासन ही कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए काफी है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर यानी कल आने वाले हैं। हरियाणा में एग्जिट पोल्स में कांग्रेस की जीत बताई जा रही है, वहीं जम्मू कश्मीर में भी गठबंधन की सरकार बताई गई है। हालांकि मामला बहुमत से थोड़ा ही आगे दिखाई दे रहा है, कुछ सीटें भी आगे हैं, इसलिए कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दल परेशान हैं। वो इसलिए क्योंकि जनादेश में सिर्फ जनता का वोट शामिल नहीं है। जम्मू कश्मीर में असल सत्ता की चाबी तो LG के हाथ में चल रही है। असल में 5 विधायकों को चुनने का काम LG को भी करना है, यानी कि 90 सीटों वाली विधानसभा की संख्या 95 होने वाली है। इस स्थिति में जम्मू कश्मीर विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 48 सीटों तक बढ़ जाएगा। अब कांग्रेस NC इसे संविधान के विरोध बता रहे हैं। उनके मुताबिक जो भी सरकार बनेगी उससे राय लेने के बाद ही LG को यह फैसला लेना चाहिए। बता दें 370 हटने के बाद ही केंद्र द्वारा LG को एक ताकत दे दी गई थी। उस ताकत के तहत 5 विधायकों को नामित करने की जिम्मेदारी LG के पास रहेगी। अब स्थानीय पार्टियों का आरोप है कि स्थिति को स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि बहुमत 48 सीटों पर मिलने वाला है या फिर 46 सीटों पर। कुछ पार्टियों का तो यहां तक कहना है कि जिस तरह से 1987 में जम्मू कश्मीर के चुनाव में बड़े स्तर पर धांधली हुई थी, अब फिर वैसा ही प्रयास किया जा रहा है। तर्क तो यहां तक दिया जा रहा है कि ऐसे फैसले किसी अल्पमत पार्टी को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचा सकते हैं, वहीं किसी बहुमत वाली पार्टी को अल्पमत में ला सकते हैं। वायुसेना के पास फाइटर प्लेन की ताकत ऐतिहासिक रूप से कम हो गई है। हालत यह है कि भारत के फाइटर प्लेन की क्षमता साल 1965 से भी कम है। वही लोग इस पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। वो आश्चर्यचकित हैं कि वायुसेना की क्षमता 1965 से भी कम हो गई है, जबकि पीएम मोदी बातें लंबी लंबी करते हैं। लोग क्षमता कम होने के कारण बता रहे हैं कि राफाल लड़ाकू विमानों की खरीद प्रणाली में घपलेबाजी। लोगों का कहना है कि मोदी जी और उनका दल देशभक्ति के लंबे चौड़े दावे करते हैं, लेकिन उनका असली काम सिर्फ हर क्षेत्र में वसूली करने और मित्रों को उपकृत करने वाला मिलता है। भारतीय वायुसेना की ताकत 1965 से भी कम होने पर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का कहना है कि जो कुछ भी हमारे पास है उसी से लड़ने को प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान मौजूदा एसेट्स के संरक्षण और कर्मियों को उनके सही तरीके से उपयोग करने के लिए ट्रेनिंग देने पर है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमानों का उत्पादन समय से पीछे चल रहा है, उसको तेज करने की जरूरत है। इसके साथ ही नए मल्टी रोल वाले फाइटर प्लेन विमानों की जरूरत कल से ही है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। गौरतलब है कि वायुसेना ने 2018 में मेक इन इंडिया योजना के तहत 114 मल्टी रोल फाइटर प्लेन खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन पिछले 6 साल से कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों को लैंड फॉर जॉब मामले में जमानत दे दी। समाचार एजेंसी ANI और PTI दोनों ने ही इस खबर की पुष्टि की। इस मामले में लालू प्रसाद यादव के साथ उनके दोनों बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी अभियुक्त हैं। हालांकि इन सभी को 1,00,000 रुपए का बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा। इस मामले में अब अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। बेल मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा कि हमारे खिलाफ राजनीतिक साजिश की गई है और सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया गया है। इस मुकदमे में कोई भी दम नहीं है, हम इस केस को जरूर जीतेंगे। बता दें लालू यादव पर आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने ग्रुप डी में नौकरी देने के बदले जमीनें ली थीं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में डासना मंदिर के विवादित मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद के खिलाफ अब एक और FIR दर्ज की गई। यह FIR महाराष्ट्र के ठाणे में दर्ज की गई। इससे पहले UP में नरसिंहानंद के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। उन्होंने इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसी को लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
यदि नरसिंहानंद ने कुछ दिनों पहले पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसको लेकर यूपी और महाराष्ट्र में प्रदर्शन हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम ने कहा कि किसी भी जाति, मत, संप्रदाय या मजहब से जुड़े हुए ईष्ट देवी देवता, महापुरुषों अथवा साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है। हालांकि सीएम ने यह भी कहा कि विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी मत, मजहब, संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। सनत जयसूर्या को श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का हेड कोच बना दिया गया है। श्रीलंका क्रिकेट की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जयसूर्या को हेड कोच बनाने का फैसला सोमवार को लिया। श्रीलंका क्रिकेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर बताया कि सनत जयसूर्या हेड कोच के पद पर 31 मार्च 2026 तक रहेंगे। श्रीलंका क्रिकेट ने बताया कि हाल ही में भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में टीम के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए यह फैसला किया गया है। टीम के इन दौरे के दौरान सनत जयसूर्या अंतरिम हेड पद पर थे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।